हिमानी और अरमान जी ने मुझे बोली है, कुछ चीजें आई भी है पर कुछ चीजें आई भी नहीं है। तो लव के साथ कभी मैंने बैठने की कोशिश नहीं की, कोशिश की कभी नहीं की, ना उन्होंने मेरे साथ बैठने की कोशिश की। दोस्तों सना सुल्तान अरमान मलिक और शिवानी पे बहुत भड़क रही है कि अरमान मलिक ने मेरा बॉडी शेमिंग किया है, अरमान मलिक ने मेरे फेस का मजाक उड़ाया है, अरमान मलिक ने मेरे हाइट का मजाक उड़ाया है। और अरमान मलिक बहुत घटिया इंसान है, और अगर खुद की बीवी पर बात आएगी तो दूसरों को थप्पड़ मारता है। खुद की बीवी को अगर कोई सुंदर भी बोल दे तो उसने विशाल को थप्पड़ मारा था, और दूसरों की बेटी बहन से वो डिसरिस्पेक्ट करता है। और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जिस ग्रुप के साथ बैठी थी उस ग्रुप ने मेरा बहुत इस्तेमाल किया, मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट किया। साई केतन मेरा दोस्त होते हुए भी वो मेरा स्टैंड नहीं लेता था, वो भी अरमान और रणवीर शौर्य के जोक पे हंसता था। फिर एक रिपोर्टर ने सना सुल्तान से कहा कि तुम विशाल और कटारिया के साथ क्यों नहीं बैठी थी, तो सना सुल्तान ने कहा कि ना कटारिया ने कोशिश की ना मैंने, और मुझे पता चला कि कटारिया और विशाल रणवीर शौर्य और अरमान जैसे लोगों से बहुत बेहतर है, उसका सोच भी अलग है। अरमान मलिक और रणवीर शौर्य ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, और अगर मैं कटारिया और विशाल के साथ बैठती थी तो आज मेरा इवेक्शन भी नहीं होना था।